यशोमती मैया के नंदलाला। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है, मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। यशोदा देवी भैया उसे मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गया तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा अरे देख क्या रोए, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा बिछा बिछा बिछा। अरे अदारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। फिर बताती हूँ तो फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है, जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। देव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु, वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको।
वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो। हे नारायण, छे छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई? धन्यवाद गौ मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनों दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी, ना मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है। पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैयाओं से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो, और ये कार्य हमें आज ही करनो है। योजना सफल हो गई, विंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ मैया? वन और कहाँ? गैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है।
ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ, इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब विंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। कान्हा, एक कार्य करे ना। आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगो। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर वराद से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, हुँ? पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर तो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। टूट गया कान्हा, ऐसे दूर जाओ ना कान्हा, अपने मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना, कान्हा मान जाओ ना। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूट गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही क्या करना?
तो आपसे क्रोधित था मैया। कोई खेलना खेलना, मुझे तो बन जाना है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज, आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर? तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने? मुझे बन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत बुझा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़के एक पशु है वृंदावन में, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ काना, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ, मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वहाँ पूछ पे छोड़ दो दाऊ।
आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम,